ये क्या कर रही हैं आप? ये चीनी पत्ती दूध जमाल के पैसों का आता है। अगर अपने मेहमानों की मेहमानदारी करनी है ना, तो वासिफ से कहो कि घर में खर्चा दे, फिर बनाना दूध पत्ती। बड़ी आई दूध पत्ती बनाएंगी। वो क्या रहे हैं? फरहत मेरी बात तो सुनो। वासिफ की भाभी प्लीज मुझे मत रोकें। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हूँ क्या मतलब है? हट जाओ वासिफ, मुझे जाने दो। अच्छा हुआ क्या बताओ तो। क्या बताऊँ? अजरा भाभी से पूछो ना, बुलाओ उनको, पूछो उनसे। भाभी क्या हुआ ऐसे, क्यों इतना गुस्से में है? मतलब इस घर में अब मैं एक एक चीज अजरा भाभी से पूछ के करूंगी। चाय भी पीनी होगी तो उनसे जाके मांगूंगी कि पत्ती और दूध दे दे ताकि चाय बना लूं मैं। मेरी दोस्त सारा आई हुई थी, उसके लिए चाय बनाने किचन में गई थी मैं। मेरे सामने से पत्ती और दूध उठा के ले गई, कह रही है तो जमाल भाई के पैसों का है। क्यों? वो ऐसा कैसे कह सकती है? कैसे नहीं कह सकती? तुमने आज तक मेरे को बोला है उनके सामने? हमेशा सब मुझे ही चुप कराते रहते, उन्हें तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। मैं भी बात करती। अजरा भाभी, अजरा भाभी। अरे क्या बात है, क्यों मेरे नाम के नारे लगाए जा रहे हो? ये क्या कहते हैं आप? दिमाग सही है आपका? नहीं, आराम से बात करो, जबान निकाल दूंगी तुम्हारी मैं, समझे? वासिफ, तुम फरहत को लेकर जाओ अपने कमरे में, अजरा से जमाल बात करेगा। ये बात करेंगे? अगर इनकी बात से फर्क पड़ता होता ना, तो ये नौबत ना आती। वासिफ अपना लहजा दुरुस्त करो, ये कोई तरीका नहीं है बड़े भाई से बात करने का। अम्मी जो हरकतें इनकी बीवी की है ना, मेरा लहजा बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया कि छुरी लेके इसका गला काट दिया है? तो ये नौबत आएगी ना, तो ये भी कर देंगी आप? हाँ तो फिर ठीक है ना, मौका आने से पहले इसको लेके निकल जाओ। चलो अजरा। देख लिया तुमने, देख लिया, दिन रात मुझे ऐसे ही ताने देती रहती है ये। और वैसे तो मैंने अपना सामान पैक कर लिया, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। पहले हमारा हिस्सा दे इस घर से, फिर मैं जाऊंगी। हाय हाय, वाह वाह, सुन लिया सबने, ये दोनों मियां बीवी इस ताक में थे कि कहीं मौका मिले और ये घर के हिस्से करने की बात करें। बहुत शुक्रिया जी, मिल गया हमें मौका। और ये चाय का सामान अपने रूम में रखे, चाय के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे किस बात का हिस्सा, सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी है तुमने, इतना सा एक टके का हिस्सा नहीं है तुम्हारा, सारी मेहनत मेरे मियां की है, समझे तुम? आपको जो करना है ना कर ले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना हिस्सा ना ले लूं। मैं भी देखती हूँ कोई एक चिड़िया का दाना को लेकर जाए इस घर से। बस देख लिया, सबको यहाँ पे उनका हिस्सा चाहिए। अरे मैं तो मुफ्त में बदनाम हूँ इस घर के अंदर।